हे गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इमल्शन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इमल्शन है क्या। जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ ड्रग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशन की जाती हैं, तो जब भी कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाई जाती हैं, तो उन लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे आपने देखा होगा मोस्टली सीरप टाइप की होती हैं, तो वो सीरप टाइप की जो डोजेज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। उनमें से ही एक टाइप है इमल्शन, जो क्या है आपकी लिक्विड टाइप की फॉर्मुलेशन होती है। तो ये इमल्शंस होते क्या हैं पहले तो हम ये जानेंगे। तो ये इमल्शंस क्या हैं, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हैं जो कंटेन करते हैं टू इमिक्सस लिक्विड। मींस जो इमल्शन बनते हैं, ये इमल्शन में क्या होते हैं, दो इमिक्सस लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। दो इमिक्सस लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से ही हम इनको क्या कहते हैं, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब टू इमिक्सस लिक्विड कौन कौन से होते हैं इसमें। फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है डिस्पर्स फेज, एंड सेकेंड फेज इज द कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स फेज क्या होते हैं, जो कम क्वान्टिटी या स्मॉल क्वान्टिटी में हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। वो क्या हो सकता है, आपका ऑयल भी हो सकता है और आपके वाटर भी हो सकते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है आपका, कंटिन्यूस फेज। कंटिन्यूस फेज वो फेज होते हैं जो डिस्पर्स फेज को डिसॉल्व करने में या डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ऑयल वाटर टाइप का इमल्शन बना रहे हैं तो ऑयल स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, और ऑयल टाइप का इमल्शन बना रहे हैं तो वाटर स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, मोस्टली जो कंटिन्यूस फेज होते हैं, अगर ऑयल टाइप का इमल्शन बना रहे हैं, वाटर टाइप का इमल्शन, तो उसमें एक्वस फेज को हम मेंशन करते हैं, और अगर लार्ज क्वांटिटी में आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑयल फेज आपका कंटिन्यूस फेज होगा। ठीक, जब ये दो फेज जो आपके होते हैं, डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज, ये डिस्पर्स और कंटिन्यूस फेज को मिक्स, दोनों को जब मिक्स किया जाता है, तो इनको मिक्स करने के बाद एक यूनिफॉर्म जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यूनिफॉर्म मीन्स प्रॉपरली डिजॉल्व। तो जो प्रॉपरली डिजॉल्व हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रॉपरली डिजॉल्व प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, अब ये स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो कहलाएगा हमारा इमल्शन। अब इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड किया जाता है कि स्टेबल इमल्शन, ये दो चीज़ें तो हमने मिक्स कर ली, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद ये दो जो हमने फेज लिए हैं, डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज, ये दोनों फेज क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे, जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये दोनों फेज सेपरेट होने लगते हैं, मतलब अलग अलग होने लगते हैं, दो लेयर में अलग अलग हो जाते हैं। तो इस सेपरेशन को अगर हमें रोकना है और लंबे टाइम तक हमें अपने इमल्शन को स्टेबल रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। उस थर्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, आपका जो भी इमल्शन आप बना रहे हैं उस इमल्शन को स्टेबल फॉर्म करते हैं। मीन्स डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज, ये दो फेज हमने जो यूज़ किए हैं, वो दोनों फेजों को एक दूसरे के साथ मिक्सिबल रहने में हेल्प करता है। कौन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब यहाँ देख लीजिए, इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं आपके इमल्शन में, वो होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जैसे गम, अकेसिया, ट्राइकैंथ, मिथाइल सेलुलोज, सिंथेटिक सब्सटेंस। सिंथेटिक सब्सटेंस मीन्स डिफरेंट टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो आपके सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, मीन्स नेचुरल नहीं होते हैं, सिंथेटिकली लैब में फॉर्म किए जाते हैं। तो ये सब्सटेंस का आप यूज़ करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्शन फॉर्मुलेशन में, और आप क्या करते हैं, एक स्टेबल इमल्शन फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जान लीजिए, जो इमल्शन होते हैं, मीन जो इमल्शन, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, उस इमल्शन में का जो ग्लोबुल साइज़ होता है, वो ग्लोबुल साइज़ होता है आपका 0.25 से 25 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है। नॉर्मली जो लिए जाते हैं 25 माइक्रोमीटर साइज़, मींस जैसे कोर्स इमल्शन आप बनाएंगे तो 25 माइक्रोमीटर साइज़ तक जाएगा, और फाइन इमल्शन होंगे तो 0.25 से 5 माइक्रोन तक पार्टिकल साइज़ जाता है फाइन इमल्शंस का। ठीक, अब यहाँ ये जान लीजिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स काम कैसे करता है आपके इमल्शन के अंदर। अब आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो कैसे काम करेंगे, ये क्या करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके इमल्शन को समझाने के लिए। तो यहाँ पे जब आप ऑयल को एज अ डिस्पर्स फेज यूज़ करेंगे वाटर के साथ, तो वाटर क्या है, कंटिन्यूस फेज, मतलब लार्ज क्वांटिटी में वाटर लिया है और स्मॉल क्वांटिटी में आपने ऑयल लिया है। जब ये दोनों फेजेस को आप मिक्स करेंगे तो ये क्या होंगे, एक टाइम पे मिक्स हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, दोनों फेज सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों सेपरेट होंगे, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है,
उस लेयर, जो लेयर यहाँ बीच में फॉर्म हो रही है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। मीन्स दो मिक्सवस लिक्विड के बीच में एक फेज बन रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस किस वजह से बनती है, इंटरफेशियल टेंशन की वजह से। मतलब क्या है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेशियल टेंशन। और इसी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इमल्सीफाइंग्स एजेंट्स। इमल्सीफाइंग एजेंट्स आप काम कैसे करेगा, आपने क्या किया, ये इमल्शन बनाया ऑयल और डिस्पर्स फेस और कंटिन्यूस फेस को यूज़ करके, मीन्स ऑयल और वाटर को यूज़ करके। तो ये क्या हुए, दोनों लेयर यहाँ सेपरेट हो रही है। आपने क्या किया, यहाँ पे इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐड कर दिया, यहाँ नीचे लिखा हुआ यूज़ इमल्सीफाइंग एजेंट्स, इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐड कर दिया। तो जब इमल्सीफाइंग एजेंट्स को आप ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में इमल्सीफाइंग एजेंट्स कैसे रहते हैं, इस टाइप का, मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इमल्सीफाइंग एजेंट्स का। तो आपकी जो टेल होती है वो नॉन पोलर मीन्स लिपोफिलिक होती है, और जो हेड होता है वो होता है पोलर मीन्स वाटर सॉल्युबल, या कहें इसको हाइड्रोफिलिक। तो ये फेस, ये इस टाइप से, ये दोनों फेस के बीच में इस टाइप से यहाँ पे इंटरेक्ट करता है आपका इमल्सीफाइंग एजेंट्स। जब इसको हम मिक्स करेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐड करने के बाद जब इमल्शन में मिक्स करेंगे इसको, तो आप इमल्शन में देखेंगे कि आपका जो डिस्पर्स फेस है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। मीन छोटी छोटी ड्रॉपलेट दिखने लगी आपके वाटर के अंदर, वाटर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स अंदर दिखेंगी, इन्हीं ड्रॉपलेट का जब हम साइज़ मेज़र करते हैं तो ये कहलाता है आपका ग्लोब्यूल साइज़ इमल्शन के अंदर। ठीक, अब ये इमल्शन की बात हो गई। अब जानते हैं हम कि इमल्शन की मीन्स नीड क्या है, हम इमल्शन बनाते क्यों हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज दिए गए हैं, हम इमल्शन क्यों बनाएंगे, क्योंकि इमल्शन हम बना जब भी फॉर्म करेंगे तो इमल्शन का सबसे पहले क्या है, इमल्शन क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो इसको हम क्या है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नली हम यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरनल हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ओरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है पेरेंट्रल फॉर्म, मीन्स पेरेंटली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इंजेक्शन इमल्शन बनते हैं, इंजेक्शन के लिए भी इमल्शन फॉर्म किए जाते हैं। और एक्सटर्नली क्या करेंगे, टॉपिकली, टॉपिकली मीन्स स्किन पे अप्लाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के, जैसे आपके लोशंस बनाए जाते हैं, लोशंस को भी एज अ इमल्शन बोलते हैं उन्हें। तो जो जो लोशन बनते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके इमल्शन होते हैं। तो उन वो टॉपिकली यूज़ करने के लिए इमल्शन फॉर्म कर सकते हैं आप। अब जो इमल्शंस होते हैं, वो इमल्शन बनाने की नीड क्यों होती है, बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो केवल ऑयल में सॉल्युबल होती हैं। तो ऑयल सॉल्युबल ड्रग को हमें क्या करना है, किसी पेशेंट को इंटरनली एक्सटर्नली प्रोवाइड करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करके एक इमल्शन फॉर्म करते हैं, और ये ऑयल सॉल्युबल ड्रग ईजिली एडमिनिस्टर्ड हो जाती हैं, मीन्स ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब ईजिली एब्जॉर्ब होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये बायो अवेलेबिलिटी को इनक्रीज़ करेगा। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जितनी ज़्यादा ड्रग आपके ब्लड के अंदर एंटर होगी, वही क्या होगी, आपको मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करेगी। मोड ऑफ एक्शन मीन्स अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या अपना इफेक्ट दिखाना तभी स्टार्ट करेगी जब ब्लड में पहुंचेगी। तो जितनी ज़्यादा ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा ड्रग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मींस कम से कम क्वांटिटी की, कम से कम क्वांटिटी में आप ड्रग का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मोड ऑफ एक्शन या फार्मास्यूटिकल एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी पेशेंट को। मींस कम डोज देकर जल्दी जल्दी रिलीफ मिलेगा। मींस जो पोटेंट ड्रग होती हैं, ऑयल सॉल्युबल ड्रग होती हैं, पोटेंट ड्रग होती हैं, उन पोटेंट ड्रग को क्या करना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में आपको देना है किसी पेशेंट को। तो अब इस क्वांटिटी में इमल्शन को बनाकर भी उस डोजेस फॉर्म को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे आपके कॉड लीवर ऑयल, कैस्टर ऑयल्स होते हैं, तो इनको भी क्या करना होता है, आपकी बॉडी को, बॉडी में जैसे ओरली देना होता है, तो ओरली देने के लिए इनके टेस्ट क्या होते हैं, काफ़ी बिटर होते हैं, तो इसको हम ईजिली टेक नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या है, अगर हम इन ऑयल्स का इमल्शन फॉर्म कर लें तो ईजिली आप किसी भी पेशेंट को इसको दे सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहला और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मींस डिस्पर्स सिस्टम होता है, ये डिस्पर्शन सिस्टम मींस दो फेज से मिलकर बना होता है, और ये दो फेज जब एक दूसरे से के साथ मिक्स नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ आपकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो दोनों फेज सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सेपरेशन की वजह से क्या है, आपका इमल्शन ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपकी
इमल्शन डोजेस फॉर्म बेकार होने लगती है, तो हम इन्हें प्रॉपर स्टोरेज की नीड होती है। मतलब अगर रेफ्रिजरेटर कंडीशन में रखना है हमें, तो रेफ्रिजरेटर कंडीशन में रखेंगे तभी ये इमल्शन स्टेबल रहेगा, या बोला जाए आपसे 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको इस टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है इमल्शन को, तभी इस पे वो स्टोर रहेगा। तो इनका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके इमल्शन का। इतना पोर्शन आज के लिए सफिशियंट।